हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। हर किसी को चाहिए होता है कि कुछ न कुछ मैं पार्ट टाइम इनकम करूं। ये वीडियो उनके लिए यूजफुल है जो बच्चे कॉलेज में हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग वाले जो है उनके लिए, जो बच्चे जॉब में हैं अभी फ्रेशर लेवल पे या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे हैं, तो भी जिसके पास दिन का 2 घंटे है, दिन का 2 घंटे एक्स्ट्रा बचता है अगर आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन 2 घंटों में आप बहुत कुछ कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके, और अच्छी खासी अर्निंग पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि इन फ्यूचर की यार मुझे इसको फुल टाइम करना है, डेफिनेटली यू कैन, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है, आप कर सकते हैं। प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ऑप्शन नहीं, आप चाहो तो चाहे ऑनलाइन करो चाहे फिर ऑफलाइन करो, दोनों में ही आप सक्सेस रहोगे, ठीक है, बेटर रहेगा दोनों मिक्स करके चलोगे तो ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरीके से अपने ही डोमेन में पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। जो मैंने किए इसमें से कुछ भी ऐसे नहीं है जो कि हवा में बातें हों, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने किए हैं जो जेन्युइन तरीके हैं पैसे अर्न करने के एज अ सिविल इंजीनियर, वो टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। तो याद रखना कि अगर आपको पानी पीना है, सपोज ये मेरा बॉटल है, पानी पीना है तो पहले इसको भरना पड़ेगा, ठीक है, बिना भरे इससे पानी नहीं पी सकते, क्योंकि फिर खाली है तो क्या अर्न होगा। वैसे ही सेम आपका ब्रेन है कि आपको अगर कुछ अर्निंग करना है तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। अब अर्निंग के लिए आप सबको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जी, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, सर मेरे पास अगर इनकम होती तब क्या प्रॉब्लम थी, मैं पार्ट टाइम जॉब ही क्यों करता, मैं स्टडी पे फोकस करता है फिर अपने काम पे। देखो, ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी अगर लर्निंग करोगे, थोड़ी थोड़ी स्किल्स ऐड करोगे, ऑटोमेटिक आप धीरे 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 अर्निंग आपके स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 500 से आप इन्वेस्टमेंट कर दो और आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन सब के साथ अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो ये जरूर चाहिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। वैसे मैं मानता हूं आज के टाइम में मैक्सिमम लगभग 80% लोगों के पास लैपटॉप होता है, नहीं है तो सेकेंड हैंड अरेंजमेंट कर लो, जो इन्वेस्टमेंट है बस इसी का है। अब गाइस, कैसे अर्निंग कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला कि अगर आपको कुछ भी अभी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा नहीं है, प्लस आप 20 से 25 दिन के अंदर ऐसा बनना चाहते हो कि अब आप काम स्टार्ट कर सको, तो आप नॉर्मल अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड की लर्निंग ले लो, ठीक है। ऑटोकैड की अगर लर्निंग ले लेते हो, आजकल यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, कुछ लोगों के 100-200-500 रुपए के वीडियोस कोर्सेस हैं, कहीं से भी आप ऑटोकैड फुल पूरी तरीके से सीख लो। ये मत परेशान रहो कि सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड अगर सीख लिया तो आप बेहतरीन प्लानिंग का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बड़े बड़े अक्षरों लिख सकते हैं भाई, घर का नक्शा प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा पार्ट टाइम जॉब है। आप कॉलेज में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप कर सकते हो। आप क्वालिटी में साइट पर कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, यूनिंग में आते हो ना, तो यूनिंग में आते हो तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कॉन्टेक्स्ट निकाल के आप 1-2 प्लान भी अगर बनाना स्टार्ट करते हो, हफ्ते में 1-2 प्लान, तो भी आपको 2-2-3-3 हज़ार रुपये का बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो आप डेली बना सकते हो, बट अगर हफ्ते में भी बनाएं तो भी आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी? बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। आपके जितने भी आर्किटेक्ट दोस्त हैं या फिर सिविल इंजीनियर दोस्त हैं, उनको बस इतना बता दो कि भाई मैं ये सर्विस देने लगा हूँ, ठीक है, और छोटा सा विजिटिंग कार्ड आजकल तो सब ऑनलाइन बनता है, बना के उनको भेज दो, ठीक है, आपके पास जितने लोग हैं, ठीक है, उनको भेज दो और ऐसा बताओ कि तुम्हारा काम रहेगा तो हम कम से कम पैसे में कर देंगे। प्लस आपको लगता है कि बंदा ऐसा है कि इसका मार्केट अच्छा है, तो उसको बोल दो भाई तुझे 50% दे देंगे, काम हम करेंगे 50% तुझे दे देंगे। तो ऐसे लोग जो जिनके पास मार्केट ज़्यादा होती है, ऐसे बहुत से लोग होंगे, आपके दोस्त ही होंगे जो थोड़ा सा मार्केट की पकड़, मतलब सबसे हाल चाल सबसे बातचीत करके रखते हैं, उनको बोल दो भाई तुझे 50 दे देंगे, ठीक है, मतलब 2,000 में 1,000, वो बोलेगा फ्री में मिल रहा है। बड़े आसानी से आप ऑटोकैड के बेस पे दे सकते हो। थोड़ी सी इनकम सोर्स और बढ़ाना चाहते हो, प्लस आप मेट्रो सिटीज में हो, ठीक है, बड़े शहरों में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ 3ds Max या फिर स्केचअप सीख लीजिए ऑटोकैड के साथ। क्या सीख लीजिए? 3ds Max या स्केचअप, बस दो में से कोई भी एक, मैं ही नहीं कह रहा हूँ दोनों सीखो, दो में से कोई भी एक सीख लो, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप अपने आसपास जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या फिर जो भी लड़के हैं जिनको जानते हो आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, या फिर वो कारपेंटर जो कि लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, वो जो POP का काम करते हैं,
उन सब में से जितने लोगों से आपकी मुलाकात हो सके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से, बस उनको बता दो कि भाई अगर आपसे कोई भी पूछेगा इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए तो मुझे बोल देना और मैं कम पैसे में प्लस तुम्हें कमीशन देने के साथ उनको करके दे दूंगा। बड़ा ही आसान है, 1.5 महीने का इन्वेस्टमेंट है, अप्रॉक्स 20-25 दिन तुम्हारा ऑटोकैड को जाएगा, रेस्ट ऑफ टाइम्स तुम्हारा जो जाएगा वो स्केचअप और या फिर 3ds Max जो भी सीख रहे हो उसमें जाएगा। दोनों आता है तो फिर मच बेटर, उसकी कोई बात ही नहीं है। अब क्या हुआ, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ लैपटॉप चाहिए आपको, मुश्किल से 5 से 6 हज़ार रुपये में दोनों सॉफ्टवेयर सीख लोगे, हो गया, क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मतलब 5 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और फ्री में विजिटिंग कार्ड बना रहे हो और आप महीने में 1-2 प्रोजेक्ट भी उठाते हो तो 10 हज़ार के नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। क्या कॉलेज से आने के बाद इतना टाइम नहीं रहता है? फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में इतना टाइम रहता है, हमने भी कॉलेज किया हुआ है, ठीक है। और आप अगर BTech कर रहे हो, MTech कर रहे हो, कोई भी डोमेन से कर रहे हो, साइट पर काम कर रहे हो, क्वालिटी में कर रहे हो, 1-2 घंटे निकालो भाई, कितना अच्छा पार्ट टाइम है। अगर आपको 15,000 सैलरी मिल रही है, आप 2-3 काम भी निपटा दिए ना, तो 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा आ गया और ये 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगाओ या जो भी तरीके हैं आपके वो लगा सकते हो। तो अब क्या हुआ, आपने 2 स्किल सीखी, आप एंटरप्रेन्योर के साइड पर बनने लगे, आपका कॉलेज चल रहा है, आपकी जॉब चल रही है, डिस्टर्ब मत करो। कल को अगर ये मार्केट बड़ी हो जाती है, आपके कॉन्टेक्ट होना ही ये बड़ा, तुमने मुझे दिया प्रोजेक्ट करके अच्छे से, मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं मैं बोलूंगा यार वो बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे से डिजाइनिंग करता है, उनके पास काम चला गया। उनके जितने रिलेटिव होंगे वो फैलाएंगे बात को, धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी इतना फैल जाता है कि पूछो मत कितना वर्क करता है माउथ, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फोकस। इसके लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा, करना क्या है, कुछ भी नहीं। अब मान लो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये मुझे इंटीरियर उटीरियर का लफड़ा समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो छोड़ दो ना इंटीरियर, आपके पास यही एक ऑप्शन थोड़ी है, आप स्टैंड प्रो सीख लो या प्रीटैप सीख लो ऑटोकैड के साथ, क्या सीख लो, स्टैड या ईटैप। आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कि प्लानिंग का काम करके देते हैं ऑटोकैड से, सिर्फ उनको फोन करो, भाई तेरा स्ट्रक्चर वाला जो काम है ना वो मैं करके देता हूँ, ठीक है, तुझे कम पैसे में करके देता हूँ, चल तू कमीशन भी रख लेना, मुझे थोड़ा भी देगा तो भी चलेगा, स्टार्टिंग तो करो, ठीक है, काम का कॉन्फिडेंस तो लेके आओ, 2-3 प्रोजेक्ट करो, 1-2 प्रोजेक्ट फ्री में करके दे दो, बैठे थे हमें प्रैक्टिस हो रही है ना हमारी, 1-2 प्रोजेक्ट हमने करके दिया, 3 प्रोजेक्ट, उसके बाद खुद ही समझेगा भाई इसका टाइम लगता है, कुछ ना कुछ अमाउंट देना स्टार्ट हो जाएगा। आप कॉलेज में हो और आप ये चीज कर रहे हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब स्टैंड प्रो सीखने में कितना पैसा लगता है, 2-4 हज़ार रुपये लगेंगे तुम्हारे प्लस, और क्या बोलते हैं, ऑटोकैड तो आपको बहुत नॉर्मल आप सीख सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और ये जॉब इन फ्यूचर आप फुल टाइम भी आराम से कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे सर मुझे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता ना, मेरा वो सोम गड़बड़ है या फिर RCC गड़बड़ है, वैसे बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अगर नहीं समझ में आता तो ये भी छोड़ दो, आप मॉडलिंग सीख लो, अच्छे अच्छे एक्सटीरियर डिजाइनिंग बनाना सीख लो। कितना टाइम लगेगा, 1 महीने सफिशियंट है एक्सटीरियर देने, मैं खुद ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत लोगों को ट्रेंड किया है, आप लोग देखते होंगे बहुत ढेर सारे मैं डेमो प्रोजेक्ट डालता हूँ, लोग कितना बोलते हैं ना कि कितना अच्छा है, तो 1 महीने से 1.5 महीने सफिशियंट है अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ करोगे, जैसे होता है ना काम में पागल हो जाना, मैं वैसे होता हूँ, एक टाइम पर एक काम, इस समय वीडियो बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात हो रही है, कुछ नहीं करना है आपको, रेविट सॉफ्टवेयर सीख लो। अब रेविट सॉफ्टवेयर से फायदा क्या होगा, आप अच्छी अच्छी मॉडलिंग कर लोगे, ऑटोकैड से प्लानिंग कर लोगे, ठीक है। अब आपको चाहो तो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपको पता है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो आपके जो RCC के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सबके पास कोई ना कोई आता रहता है और ये पूछता रहता है भाई यार मुझे प्लान बनवाना है, उसके बाद उनसे काम करवाना है, कोई प्लान बनवाने वाला होगा तो बताना। उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, लोग जब मटेरियल वालों के पास जाते हैं रेट लेने के लिए तो पूछते हैं कोई डिजाइनर है क्या तुम्हारे पास, तो अगर आपके पास मटेरियल वाले का कॉन्टेक्ट है तो वहां से भी आप काम को उठा सकते हो। बहुत से तरीके हैं, अगर आपको ये जानना है कि काम मिल नहीं रहा है सर कैसे मिलेगा तो बताओ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दूंगा कैसे कैसे मिलता है, और ये सब हम लोग कर रहे हैं, कोई ये फेक तरीके नहीं है, ये जेन्युइन तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब इसके प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे किसी पर भी आप अपना काम डाल दो, उसके बाद 100 रुपये की लोकल मार्केटिंग होती है, फेसबुक पे भी होती है और इंस्टा पे भी होती है। कैसी, आपके एरिया में 10 किलोमीटर में एडवर्टाइजमेंट डाल दो, 20 किलोमीटर में, इतने ही दूर का तो काम आपको चाहिए, 20 किलोमीटर का एडवर्टाइजमेंट डाल दो, 20 किलोमीटर तक सबको पहुंच जाएगी वो चीजें, अब लोगों के माइंड में धीरे धीरे क्लिक होने लगेगी, भाई
एक तो ये ऑनलाइन तरीका हो गया, और दूसरा जो तुम ऑफलाइन जो लोगों को तुम बोल के बैठे हो वहां से भी तुमको काम मिलना 100% फिक्स है। हो सकता है एक महीने में 10 ना मिले, एक महीने में एक मिले, बट स्टार्ट तो हो गया ना आपका काम, ये भी आपका एक जेन्युइन तरीका है। तो इन सब में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप बोलते हो सर मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और मुझे स्ट्रक्चर का तो काम मिलेगा नहीं, बट मुझे स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करना है। भाई तुम 3D डिटेलिंग कर लो, आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में है। क्या सीखना है, टेकला सीख लो, ठीक है। टेकला सीखने के बाद जितने भी स्ट्रक्चर इंजीनियर को तुम जानते हो बस उनको बता दो कि मैं 3D डिटेलिंग करके देता हूँ, ठीक है, और कम पैसे बता दो कितने पैसे में मैं करके दे दूंगा। वो भर भर के तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे भाई इसकी डिटेलिंग कर दे, इसकी डिटेलिंग कर दे, बहुत काम आएगा 3D डिटेलिंग का। सिर्फ उनको बताना है आपको कि मैं 3D डिटेलिंग करके देता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप सर्च कर लेना गूगल पे, बहुत कम है 3D डिटेलर्स, ठीक है। क्या करना है, मुश्किल से 1.5 महीने सीखने हैं, 1.5 महीने में आप ट्रेंड हो जाते हो जाएगा। तो देखो भरना तो पड़ेगा, एक बार इसमें पानी भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हवा से हम लोग अर्निंग करने लगे, एक बार पानी भर लिया, अब एक ऐसा पानी है नॉलेज, एक ऐसा पानी है, निकालते जाओगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जादुई पानी हो सकता है, ये निकालते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो मुश्किल से 2-4-5 हजार के इन्वेस्टमेंट करो और अपना पार्ट टाइम स्टार्ट कर लो काम, अपना कॉलेज कंप्लीट करते रहो या फिर अपनी जो जॉब है उसको कंप्लीट करते रहो, जब एक लेवल पे आप आ जाओ। पहले मैं भी यही करता था, आप सबको पता है पहले मैं जॉब में था, बट मैंने अपना काम छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ जो भी मिल रहा है, ठीक है, 2,000, 5,000, 500, 200 रुपए में मैंने प्लान बना के दिए है, ठीक है। मैं करता गया। एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे स्टैंडर्ड आ गया कि भाई अब इतना काम हो गया था कि जॉब को टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये सिचुएशन कब आता है, ये सिचुएशन आएगा जब आपका माउथ पब्लिसिटी से काम दौड़ने लगेगा। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ऑफलाइन अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम, बिना कुछ डिस्टर्ब किए, बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए, क्योंकि ये स्टडी का ही पार्ट है। आगे आपको क्या करना है, कॉलेज का जो RCC सोम स्टील पढ़ोगे उसके बाद यूटिलाइज कहाँ करोगे, यही तो करोगे। तो ये भी एक तरीके का आप इंटर्नशिप एक तरीके से करने लगे हो और ये आपको इन फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न देगा। देख बस एक बार इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये फंड देगा, ठीक है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस, उसके वजह से मैंने सोचा कि आपको शेयर करता हूं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब हर कोई करना चाह रहा है बट करे कहां से, स्टार्ट कहां से करे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्टार्ट कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है। एक चीज सीख लो ना, मैंने कहा था सब सीखो, सब सीख लिए तो आप मतलब ये तो आप तो आपका माइंड बिजनेस वाला हो गया, फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक से भी स्टार्ट कर रहे हो क्या दिक्कत है, हम धीरे धीरे काम को बढ़ाएंगे, सीखते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप बिलिंग भी करके दोगे, आप डिजाइनिंग भी करके दोगे, आप मॉडलिंग भी करके दोगे, इंटीरियर भी करके दोगे, हो सकता है कल को आप पूरा बिल्डिंग ही बना के देने लगो, आपका अपना कैपेबिलिटी है। ये थे पार्ट टाइम के कुछ बहुत इजी एग्जांपल्स जिससे आप काम को ले सकते हो। वैसे बड़े लेवल पे थोड़ा और अच्छे लेवल पे खेलना है आपको तो और तरीके हैं। क्या तरीका है, आप अपवर्क के थ्रू, freelancer.com के थ्रू, लेकिन वो सब तरीके थोड़े से मेहनत वाले हैं, ठीक है। सोचा हूं मैं कि उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा कैसे बिडिंग करते हैं और कैसे काम लेके आते हैं, बट ये आसान तरीके से पहले स्टार्ट तो कर लो, काम को स्टार्ट कर लो, जल्दी उस पर भी तरीके बताएंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनके साथ जरूर जो कॉलेज में है, वो बेचारे पहले से ही परेशान रहते हैं, फिर कॉलेज के बाहर निकलते हैं तो कोई एक रहता है और नए नए तरह के नॉलेज दे देता है, फिर वो फंस जाते हैं। क्या नॉलेज दे देगा, जो भी अक्सर मैं देख रहा हूँ नॉलेज, साइट पर जाओ 2-3 साल तक पहले एक्सपीरियंस लेके आओ फिर तुम डिजाइनिंग में आ जाना। भाई इतना दिमाग खराब करते हैं, उसके बाद कौन जॉब देता है, ठीक है। जॉब के इंटरव्यू पता क्या बोलेंगे तो तुम साइट पर तो तुम डिजाइनिंग में क्यों आ रहे हो, एक तो सैलरी की बैंड बच जाती है, मतलब वहां 25-30 पे पहुंचे थे फिर 12 से स्टार्ट करो, जाना ही क्यों है यार, जब डिजाइनिंग करना है लैपटॉप पे हमको वर्क पता है। अगर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स नहीं पता है आपको, मैं बता दूं 30-35 स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के, आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं बता दूंगा, कंस्ट्रक्शन स्टेप डाल दो बस कमेंट, आप सीख जाओगे। क्या उसमें है कि बहुत कि 3 साल तक वहां इन्वेस्ट करना, उसके बाद 25 तक सैलरी के बाद फिर 12 से स्टार्ट करना, ऐसे ऐसे गधों को दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं आता आप नीचे लिखो, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक बुक है संदीप मंत्री सर की, बुक पढ़ डालो, पूरा का पूरा प्रोसेस ही लिखा हुआ है यार, ठीक है। काहे को उधर जाके 3 साल इन्वेस्ट करना, थोड़ी समझदारी दिखाओ, पार्ट टाइम जॉब से स्टार्ट करो और ये फुल टाइम होने में टाइम नहीं लगाएगा। जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं बताएगा, मैंने कोई भी ऐसा नहीं बताया कि बहुत अलग चीज है, सब आपको पता है, बस करने की देरी है। तो टेक योर स्टेप्स, जो पसंद आता है, मॉडलिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, स्ट्रक्चर, प्लानिंग, एस्टिमेशन, बिलिंग, जो आता है आपको समझ में, एक से स्टार्ट करो, अपने आप आपको धीरे धीरे होने लगेगा कि चलो अभी स्ट्रक्चर आ गया, बीम में एंट्री करते हैं, बीम आ गया, बीम में और थोड़ा ग्रोथ लेते हैं, टेकला वगैरह सीखते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करोगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट स्टार्ट योर स्टेप्स, एक स्टेप चलना स्टार्ट करोगे दूसरा अपने आप आएगा। जय हिंद जय भारत। पार्ट टाइम जॉब करनी है तो दूसरे डोमेन में मत करो। कई लोग हैं जो जोमेटो स्विगी वगैरह वगैरह लग के अपना वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ लर्निंग कुछ नहीं हो रही है। कई लोग हैं मॉल में काम कर रहे हैं, कई लोग हैं कंप्यूटर के उसमें काम कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सेल करते हैं। पार्ट टाइम इस तरीके का मत करो जिसका कोई भी रिटर्न ना आए। ये सारी जो पार्ट टाइम है इनके रिटर्न है भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसको अगर आप ले सकते हो तो अच्छे वे में ले लेना। जय हिंद जय भारत।